अभी इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आजकल मैं छेड़ ही नहीं सुन रहा हूं उनकी, पता नहीं कहां है वो, मुझे मालूम नहीं वो। लेकिन गुंजाइश रखी भी कहां वहां पर, पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है सारा, कई जगह बना दिए कांग्रेस पार्टी के, क्या बना दिए वर्किंग प्रेसिडेंट, कितने बनाए 4। हमने कही वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है, बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलता ये मैं कोई पावर फूर है, बोलते सिर्फ पावर कुछ नहीं है, बोलते पूरी कांग्रेस में पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई है, इसलिए कोई भाग करके न चला जाए, इसलिए उनको बोला तेरे को प्रेसिडेंट बनाता हूं, और वो बेचारा नारे लगा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नारे लगा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहां के नेता की बेचारे की बात ही नहीं आई है, वो पुराने उस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे लेकिन उनकी बारी आई नहीं, पता नहीं ये क्या है। अभी बोलते पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के तय हो गए, मैडम को प्रेसिडेंट बना दिया, तो मैडम नहीं बेटा ही बना, वो बोलता प्रेसिडेंट से ज्यादा बोलते, सारा टूर वही कर रहा, सारा कार्यक्रम वही कर रहा, किसको रखना पार्टी में, किसको निकालना, किसको उतारना, किसको चढ़ाना, सारा काम वही कर रहा। अगर सरकार बन गई तो बोलते तब तो बुरा हाल है, बोलते। मैंने कहा ये थारा झगड़ा भाई, हमको कुछ नहीं लेना है सारी चीज को लेकर के। बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस का एक सुना रहा था, हमको अपनी पीड़ा सुना रहे थे, फिर लगे बोलने तो जाइए कहां, बोलते हैं दिल्ली तक अगर हम बात करें तो वहां भी वैसा ही है, मां और बेटे का है काम सारा चला हुआ। तो मैंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपकी पार्टी का है, आपको अपनी बातों को आप अपने आप देखो कैसे हो सकता है। लेकिन उस पार्टी में बहुत उथल पुथल चल रही है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में बहुत बड़े बड़े नेता उनको छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आपका परिवार जो होता है आपको मुबारक हो, और हम अब इस परिवार से बाहर जा रहे हैं क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा लंबा वक्त गुजार दिया, लेकिन आज जैसी जिस तरह की पार्टी की स्थिति पूरे देश भर में हो गई है, कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की स्टेटमेंट आई कि कुछ नहीं दिया, उनको ये याद नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री को लेकर के वो भी आए थे और शिमला की ठंडी 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 हवा में वहां पर रिज के मैदान में वो सो गए थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिमला के रिज के मैदान से 10,000 हिमाचल के 10,000 से ज्यादा हिमाचल के किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले, घर बैठे उनको खाते में पैसे मिले, 21,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों के खाते में डाले। और एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी मदद की है। अभी कोई कांग्रेस से कुछ दिन पहले कह रहे थे, बोलते हैं कि हमने सुना 16-17 तारीख को फिर से मोदी जी आ रहे। मैंने कहा आ रहे नहीं, मैं कि शिमला नहीं धर्मशाला आ रहे। बोलते हैं यार कमाल कर दिया, बोलते हमारे प्रधानमंत्री 5 वर्ष में एक बार भी फेरन लगाते तो ये तो 1 महीने में 2 बार आ रहे हैं, और सिर्फ धर्मशाला आ रहे हैं 2 दिन रुक रहे हैं वहां पर। इसलिए आ रहे हैं कि हिमाचल में आकर के उनको आनंद की अनुभूति होती है, उनको लगता है कि ये इस प्रदेश में हमको और बेहतर काम करना है और यहां की मदद और ज्यादा किस तरह से की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में रखी गई है और चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में वहां 2 दिन मोदी जी रहने वाले। अभी मैं अगर बोलूं आगे बोलूं तो उनको बहुत झटका लगेगा, थोड़े वक्त के बाद वो चंबा भी जाने वाले,
और उसके बाद वो जहां बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के लिए भी आने वाले हैं, और उसके बाद आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बहुत जगह उनके आना होगा, आप सबके बीच में उनके दर्शन करने का, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हिमाचल अपना है ऐसा उनका कहना, और कहना नहीं उनको उनने स्वीकार किया है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में, देखिए मैं भोला मानू हूं और भोले मानू के सामने आप जो बात कह रहे हैं कि वही वो सच्चे दिल से कहना है, हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी बात को। तो मैं आप सबकी बात को सम्मान करते हुए पंडोह में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं, और डिग्री कॉलेज खोलने के साथ साथ में अगर विधायक नहीं पहुंचाया शिमला आप लोगों ने तो फिर देख लेना, फिर मैंने यही पंडोह में ना पंडोह में फिर आकर के आप लोगों के पास मिलकर के बात करनी मैंने। और एक और चीज जो यहां पर बताई गई यहां पर के, कि यहां पुलिस में पुलिस चौकी है यहां पर पंडोह में, और चौकी तो स्थाई चौकी है, लेकिन इसको बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। मैं कहा पुलिस वालों को बड़ी जगह दे करके फिर वो अगर कोई काम नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोगों को ही परेशान करेंगे, वो आप लोग देख लेना फिर। लेकिन यहाँ हमें भी लग रहा है कि नेशनल हाईवे है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी बहुत सारा इलाका इसमें पड़ता है, और कुछ इलाका यहाँ से जाकर के हमारा थलौट में पड़ता, थलौट थाने में पड़ता है, कुछ हमारे जाकर के यहाँ पड़ता है, क्या बोलते हैं गोर पड़ता है, तो इसलिए ये सारा इलाका एक जगह इसमें आ जाएगा अगर हम इस पर हम विचार करें। जस्टिफिकेशन के हिसाब से कठिनाई तो है इसमें, डिस्टेंस के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बात कही है जो आज इन्हें जहाँ पर ये बनाने के लिए, उसको हम पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आपका ये पंडोह केस को अपग्रेड करके इसको थाना बना देंगे।